नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं फिल्मी मार्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में के दो दिनों के टोटल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती दो दिनों में इंडियन और ओवरसीज मार्केट में कितने करोड़ रुपए की कमाई की है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही अगर आप भी अक्षय कुमार के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त को रिलीज हुई अक्षय कुमार की यह फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ तापसी पन्नू, वाणी कपूर, फरदीन खान नजर आए हैं। बता दें कि इस फिल्म में फरदीन खान ने काफी लंबे समय बाद कमबैक किया है। उनकी आखिरी फिल्म दूल्हा मिल गया थी जो 2010 में रिलीज हुई थी। मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को इंडिया में 1500 स्क्रीन्स तथा ओवरसीज में 600 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया है, यानी कि इस फिल्म को दुनिया भर में 2100 स्क्रीन्स पर 15 अगस्त के दिन रिलीज किया गया। बता दें कि 120 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले दिन डिसेंट सी ओपनिंग ली है। जी हां दोस्तों, स्त्री 2 और वेदा फिल्म से मिल रहे जबरदस्त कंपटीशन के बीच इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं निराश करने वाला रहा। बात करें फिल्म के पहले दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन 5,96,00,000 रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वहीं बात करें दूसरे दिन की तो आज भी इस फिल्म के कलेक्शन में 35-40% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार यह फिल्म आज दूसरे दिन 3,60,00,000 रुपए का इंडियन नेट करने जा रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो दो दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो होता है 9,56,00,000 रुपए का। वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होता है 11,42,00,000 रुपए। बता दें कि फिल्म ने अभी तक ओवरसीज मार्केट यानी विदेशों से भी 3,29,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है, जिसके चलते इस फिल्म का जो दो दिनों का टोटल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो होता है 14,71,00,000 रुपए। जी हां दोस्तों, 120 करोड़ रुपए के कलेक्शन में बनी यह फिल्म अपने दो दिनों में 14,71,00,000 रुपए की कमाई कर चुकी है। अब उम्मीद यही है कि क्रिटिक्स और दर्शकों से इस फिल्म को जो पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं उसके चलते यह फिल्म आने वाले लॉन्ग वीकेंड में एक अच्छा कलेक्शन कर पाए और अक्षय कुमार को लगातार फ्लॉप फिल्मों से छुटकारा मिल पाए। आपको क्या लगता है, इस फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।